वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम हैं गेंट में और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ गेंट, जो कि एक सिटी है बेल्जियम की। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि चर्च है और ये चर्च बहुत ही पुराने आर्किटेक्चर पर है और यहाँ की बिल्डिंग्स भी बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ का फील भी थोड़ा विंटेज फील है। यहाँ पे बहुत अच्छा फील आ रहा है मुझे। यहाँ पे आप ट्रैम भी देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रैम के ट्रैक है जो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं गेंट के सिटी सेंटर में हूँ और अभी तक बारिश हो रही थी बट अभी सनी हो चुका है, तो वेदर यहाँ का बहुत प्यारा है। यहाँ की फील भी बहुत पीसफुल है, यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है मुझे और बहुत ही कामनेस सी फील हो रही है। वाइट विंटेज है तो नो डाउट इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब है। इन केस यू वांट टू हैव समथिंग यू कैन गो। और यहाँ पे चर्च भी है, यहाँ पे यूजुअली भी बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेस भी होती रहती हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो एयर बबल हो रहा है और बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती है। यूजुअली जब बारिश नहीं हो रही होती है यूरोप में तो लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत होती हैं, जो कि टूरिस्ट को या यहाँ पे लोग जो टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं उनको बहुत अमेजिंग लगता है और बहुत अट्रैक्टिव भी होता है, क्योंकि उनके टैलेंट्स बहुत अच्छे से दिखते हैं और उनकी उनकी एक लाइवलीनेस इस सिटी की भी दिख जाती है इस ड्यूरेशन। तो नो डाउट बहुत पीसफुल और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है ये। Te voy a ir a mirar. चलते हैं इस चर्च के अंदर, जो स्टेयर्स चढ़ के हमें इसके टॉप पर जाना है और ये फुल सिटी का व्यू वहां से दिखेगा। तो देखते हैं सिटी का व्यू कैसा है, चलिए। चलिए गाइस चलते हैं और देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा है।
और आप देख सकते हैं कि ये चर्च कितना ब्यूटीफुल है और इसका आर्किटेक्चर कितना अमेजिंग है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, वन ऑफ द जो ब्यूटीफुल चर्च है ये, मुझे बहुत पसंद आया। सामने फ्लावर्स देख सकते हैं, जीसस के सामने फ्लावर्स हैं और वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। पूरे सिटी का टूर करते करते अब हमें लग गई है थोड़ी सी भूख, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आसपास में कौन सा रेस्टोरेंट अवेलेबल है और हम कहाँ खाना खा सकते हैं। तो गाइस आज हमने इवनिंग में यहाँ पे खाना खाया है हवाइन रेस्टोरेंट में, और मैंने स्पाइसी चिकन ऑर्डर किया था, वो बहुत ही यम्मी था और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर का था। आप यहाँ पर आए तो ये जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और मेरे फ्रेंड्स ने फलाफल भी खाया था, उसके साथ सुशी राइस भी ट्राई किया था, और बाकी सारी चीजें ही हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी था। आज स्पाइसी चिकन खाने के बाद हमारा मन किया कुछ डेजर्ट खाएं, तो बेल्जियम में बहुत फेमस है वॉफल, इवन बेल्जियम ने ही वॉफल बनाए हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं बेल्जियम होममेड वॉफल खाने। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो ये जरूर ट्राई करें, क्योंकि बेल्जियम का बहुत फेमस है। वॉफल के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज भी बेल्जियम का बहुत फेमस है, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज और वॉफल दोनों बेल्जियम में ही बने हैं, तो आप यहाँ पे आके ये दोनों ट्राई कर सकते हैं। ये जो बिल्डिंग अभी आपने देखी, ये सेंट निकोलस चर्च है और ये रोमन कैथोलिक चर्च है। इसके अंदर रोमन आर्किटेक्ट के स्टैचूज हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं वो, और अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो सिटी है ये विंटेज लुक दे रही है, जैसे मैंने बहुत बार मेंशन किया। तो ये बोट राइड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, इससे आप पूरी सिटी घूम सकते हैं। केनाल राइड से बहुत अच्छा व्यू आता है,
ये आपको फुल सिटी का टूर दिखाते हैं कैनाल से. एज यू नो कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज कैनाल से सराउंडेड है, तो कैनाल राइड बहुत ही कॉमन वे है यहाँ पे टूर करने का, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. यहाँ की टिकट की कॉस्टिंग 10 यूरोज है. तो गाइस आज का दिन तो हमारा टूर खत्म हो गया है, बट ये टूर बहुत अमेजिंग था. यहाँ की फील, यहाँ की वाइब बहुत अमेजिंग थी, विंटेज थी, बट हाँ बहुत ही अच्छी थी. आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके प्लीज ये बता सकते हैं, और आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लीज अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो भी गेंट कैसा है देख सके. टिल देन बाय बाय.